हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच होने वाला है वही मैच के बारे में। तो वीडियो रेगुलर्स नहीं आ रहे हैं चैनल पे, इसके पीछे जो रीज़न है पहले मैं आपको बता दूं। आपको पता है चैनल जो है अभी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कुछ दिन के लिए मैं ब्रेक ले लेता हूँ और आप लोगों के लिए जो है कुछ नया चीज़ ट्राई करता हूँ जो आपको जो है कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, किसी भी YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको जो है नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैंने आप सोचा क्यों ना मैं आपको हर वीडियोस पे जो है ग्रैंड लीग की टीम में आपको ड्रीम इलेवन पे देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ड्रीम इलेवन नहीं खेलता तो मैं आपको यहाँ की जो है ग्रैंड लीग टीम प्रोवाइड कर सकता हूँ। और जिस पे जो स्मॉल लीग मैं खेलता हूँ, जैसे कि आप समझ सकते हो माई टीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल और हाला प्ले में, ठीक है, ये तीनों मैं जो है स्मॉल लीग खेलने के लिए आपको प्रिफर करूँगा। सारी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, ख़ासतौर से अगर आप माई इलेवन सर्कल नहीं खेलते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके जो आगे फीचर्स है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं स्मॉल लीग की टीम जो है यहाँ पर आपको माई इलेवन सर्कल में देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको ड्रीम इलेवन पे जो है ग्रैंड लीग की टीम दूंगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग विनिंग चांसेस कितने होते हैं या फिर हम लोगों को ग्रैंड लीग भी खेलना भी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यूट्यूब पर देखो सारे के सारे लोग जो है हेड टू हेड या फिर थ्री मेम्बर्स के टीम हमेशा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं भी अभी तक वही कर रहा हूँ, इसलिए शायद मेरी जो है चैनल उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मैंने क्यों ना सोचा आप लोगों के लिए जो मैं ग्रैंड लीग की टिप्स दूं आपको। मैंने खुद ग्रैंड लीग विन किया हुआ है तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हो सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग ग्रैंड लीग जीत जाते हो तो आपकी शायद लाइफ जो है चेंज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। अगर आप ग्रैंड लीग जीतते हो तो आप दूसरों को भी मदद करोगे, ऐसा मेरा भरोसा है। तो इसलिए मैं आपको जो है यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम आपसे प्रोवाइड करूँगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं जो है आपसे ड्रीम इलेवन पे जो है ग्रैंड लीग की टीम देने वाला हूँ और माई इलेवन सर्कल में जो है मैं आपको स्मॉल लीग की टीम देने वाला हूँ, जिसमें आप दादा को विन करके 5 टाइम्स जो है यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच के प्रीव्यू के बारे में। पहले अगर हम लोग न्यूज़ नहीं जानेंगे तो हम लोग टीम कैसे बनाएंगे, सही है ना। तो मैच जो पिच रिपोर्ट और मैच जो है आपको पता है लॉर्ड्स में होने वाला है, और लॉर्ड्स में जो है पहला मैच खेला गया था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसमें पाकिस्तान ने जो है 308 रन बनाया था। वहीं पर जो है साउथ अफ्रीका जो है कुछ खास अच्छा फाइट बैक नहीं कर पाई थी और लगभग जो है 48 या 49 रन से जो यहाँ पे हार चुकी थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमने जो वो मैंने जो पर्सनली मैच मैंने लगभग जो है 20-22 ओवर मैंने लाइव मैच देखा है, तो उसमें जो है फास्ट बॉलर को कुछ खास अच्छा मदद मिल नहीं रहा है, ठीक है। और स्पिनर ऐसा आप कह सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा ताहिर को भी मदद मिली है और यहाँ पर आपको सादब खान ने भी 3 विकेट लिया है, वहीं पे ताहिर ने भी 2 विकेट लिया है। तो स्पिनर को कुछ खास अच्छा मदद नहीं है, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग मैच था इसलिए उनको विकेट मिल गए थे और उनके पास जो है यहाँ पे क्वालिटी स्पिनर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास क्वालिटी स्पिनर जो है वो नहीं है। तो शायद स्पिनर इस पिच पर जो है ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड की तरफ से जो इम्पैक्ट ना कर पाए। तो इंग्लैंड की न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर जेसन रॉय इस मैच पर भी नहीं खेलेंगे, तो जेम्स वाइन को शायद एक और जो है ओपनिंग करने का चांस मिल जाएगा बेस्टों के साथ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लियम पंकित को जो है शायद मोइन अली की जगह यहाँ पे खिला सकते हैं। वहीं पे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो है एक वॉरिस जो है अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक ही मैच हारा है, वो भी इंडिया के साथ। इसके अलावा जो है उनके सारे डिपार्टमेंट पर लगभग सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन एडम जाम्पा की परफॉर्मेंस जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में नहीं आई है, तो उनको ड्रॉप करके नेदरलैंड को खिला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। कैप्टन इंग्लैंड के लिए मुइयान मॉर्गन करेंगे, उसके बाद ओपनिंग करेंगे जॉनी बेस्टो एंड जेम्स वाइन, उसके बाद नंबर 3 पे आएंगे जो रूट, नंबर 4 पे आएंगे इयान मॉर्गन, नंबर 5 पे आएंगे बेन स्टोक, उसके बाद जॉस बटलर, उसके बाद क्रिस वोक्स, मार्कवुड, जोफ्रा मोइन या फिर लियम पंकित में अगर खेलेगा तो वो उस ऑर्डर पे जो है यहाँ पे बैटिंग करने आ सकते हैं।
सो अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ पे अरुण फिंच और डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 या 4 में जो है उस्मान खाजा और स्मिथ में से कोई आ सकता है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉइनिस देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क और यहाँ पे शायद जो है एडम जंपा की जगह जो यहाँ पे नेथन सॉरी एडम जंपा की जगह यहाँ पे आपको जो है नेथन लाइन देखने को मिल सकता है, नेथन कुंटन लाइन। और यहाँ पे आपको जो है पैट कमिंस जो है बैटिंग करते हुए आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेइंग 11 होने वाला है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे अपने देख सकते हो। तो यहाँ पे एक ही चेंजेस के चांसेस है दोनों टीमों में। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग की टीम के बारे में। मैं आपको एक जो है प्रीव्यू दे देता हूँ, तो आप इसमें से जो है ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो। पहली बात, आपको अगर ग्रैंड लीग जीतना है तो आपके ऊपर जो है 40% जो है यहाँ पे आपको जो है आपके लक के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन जो 60% है, अगर आपने सही किया है तो आपको जो है ऊपर वाला भी आपको 40% लक देगा कि आप ग्रैंड लीग विन कर पाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है 3 विकेट कीपर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, बटलर, बेस्टो एंड एलेक्स कैरी। तो देखें, अगर आप देखें तो तीनों ही जो है बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छी खासी हिट भी लगा सकते हैं और अपने दिन पे जो है ये लोग जो है बहुत बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। जॉस बटलर, ठीक है, क्योंकि जॉस बटलर अगर फॉर्म में है तो वो ऊपर बैटिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो इनके चांसेस ज़्यादा है। अगर बटलर को मौका मिलता है तो मैक्सिमम जो है 100 रन कर सकते हैं, अगर इनको जो है अगर लगभग 30 ओवर के आसपास इनको बैटिंग आई। वहीं पे जो अगर बेस्ट अगर अच्छे अपने दिन पे जो है 150 भी बना सकते हैं। वहीं पे एलेक्स कैरी मैक्सिमम जिस पोजीशन पे वो बैटिंग करते हैं, अगर बहुत अच्छी बैटिंग करे तो वो 80 बना सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी टीम में इन तीनों को ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो है यहाँ पे बेस्टो को ले सकते हैं, क्योंकि बेस्टो ओपनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे इंग्लैंड जो है थोड़ा धीमा भी खेल सकता है, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड के लिए ये मैच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वर्ल्ड कप में उनको बने रहना है और जो है सेमी फाइनल में जो है क्वालिफाई करना है। अब बात कर लेते हैं बैट्समैन की, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जो वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी के बीच में भी जो मैच हो, तो उनके जो टॉप बैट्समैन है आपको ड्रीम इलेवन पे या फिर किसी भी फैंटेसी साइड पे उनको पिक करना है। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो उनके बेस्ट बैट्समैन मेरे हिसाब से जो रूट है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे डेविड वार्नर और स्मिथ का नाम आपके माइंड पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों को लिया है, मैंने यहाँ पे अरुण फिंच को नहीं लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक्स फैक्टर के तौर पे, क्योंकि मैं एक ग्रैंड लीग की टीम बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ख्वाजा और जेम्स वाइन्स को लिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इन दोनों को जो है नहीं लेंगे। ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो है मैक्सवेल को लिया हुआ है, लेकिन क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से मैंने यहाँ पे स्टोइनिस को मैंने लिया हुआ है, या फिर आप स्टोइनिस की जगह जो है यहाँ पे किसी और को ले सकते हो, ठीक है। अगर मोइन अली खेलते हैं तो आप स्टोइनिस की जगह मोइन अली को ले सकते हो। और यहाँ पे आप, मैं हालांकि बेन स्टोक को लेना चाहता था, लेकिन क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से मैंने यहाँ पे स्टोइनिस को लिया हुआ है। हालांकि टॉस के बाद आप थोड़ी बहुत चेंजेस भी अपनी टीम में कर सकते हो। बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो यहाँ पे मिचेल स्टार्क, जॉफ्रा आर्चर और यहाँ पे मैंने मार्क वुड को लिया हुआ है। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो बॉलिंग में, लेकिन मिचेल स्टार्क और जॉफ्रा आर्चर को आप अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं। तो आपको जो है बेस्टो को एज अ एक्स फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये ओपनिंग करते हैं और अपने दिन में बहुत अच्छा इनिंग खेल सकते हैं, तो कैप्टन मैंने यहाँ पे बेस्टो को बनाया है और यहाँ पे मैंने वाइस कैप्टन मैक्सवेल को बनाया है। हालांकि अभी तक हमने इस वर्ल्ड कप में जो है मैक्सवेल का जो है बेस्ट इनिंग नहीं देखा है, और मुझे पता है, और मैं रेगुलर जो है हर मैच पे ऑस्ट्रेलिया की जो है एक एक ना टीम में मैं मैक्सवेल को कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि एक्स फैक्टर प्लेयर है और एक्स फैक्टर प्लेयर ही आपको जो है ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कौन से प्लेयर को मैंने यहाँ पे मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे आप फिंच को ले सकते हो, ठीक है, फिंच को लेके आप कैप्टन बना सकते हो किसी टीम में, तो आपको एक अलग कॉम्बिनेशन मिल चुका है। यहाँ पे आप बेन स्टोक को ले सकते हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके ऊपर लक के ऊपर डिपेंड करेगी, जो कि मैंने आपको कहा 40% लक की आपको ज़रूरत है, अदरवाइज आप ये टीम जो है ग्रैंड लीग में लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्मॉल लीग के बारे में, जो कि माई इलेवन सर्कल पे आप खेल सकते हो। अगर आप दादा को बीट करोगे तो यहाँ पे आप 5 टाइम्स जो है ज़्यादा यहाँ पे विन कर सकते हो। तो मैं तो रेगुलर खेलता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अभी तक आप नहीं खेलते तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए उस साइट पे, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए,
डाउनलोड करने के बाद आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आपको खुद से पैसे ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप ऐड करते हो तो कुछ आपको बोनस नहीं मिलता है, जो आपको डायरेक्ट विनिंग में मिलता है, जो आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो आप ऐड कर तो करोगे उस पर आप जो है यहाँ पे गेम खेल सकते हो। अगर आप 10 रुपीज़ दे के खेलते हो तो अगर आप एक टीम को बीट करते हो सौरभ गांगुली की टीम को, तो आपको जो है 50 रुपीज़ मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको, वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं आपको ओवरऑल प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो विकेट कीपर ऑप्शन पे, यहाँ पे बटलर नहीं है विकेट कीपर पे ऑप्शन पे, सॉरी बेस्टो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बटलर और एलिस कैरी है। तो मैंने यहाँ पे एलिस कैरी को लिया है क्योंकि सौरभ गांगुली की टीम में भी जो है एलिस कैरी होने वाला है। वहीं पे कैप्टन मैंने रूट ऑर्नर को लिया हुआ है, वॉइस कैप्टन ऑर्नर को लिया है। यहाँ पे मैंने जो है आपको क्रेडिट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो आप आसानी से यहाँ पे आप जो मर्जी प्लेयर को आप ले सकते हो, आपको क्रेडिट की थोड़ी भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने अरुण फिंच, जॉनी बेस्टो, स्मिथ, मैक्सवेल, बेन स्टोक, मिशेल स्टार्क, जोफ्रा आर्चर, मार्कवुड, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर को लिया हुआ है। और सबसे सेफ प्लेयर को मैंने यहाँ पे वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। ज़्यादातर लोग जो है इसी कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, लेकिन टॉस के बाद जो है आप अपनी टीम में एक दो चेंजेस कर सकते हो। और अगर आप ये टीम बनाओगे तो मुझे लगता है आप दादा को बीट कर सकते हो, क्योंकि दादा जो है कैप्टन, वाइस कैप्टन थोड़ी जो है यूनिक तरीके से चूज़ करता है। तो यहाँ पे आप जो है बहुत ही आसानी से इस टीम से बीट कर सकते हो। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, और नीचे मुझे आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।